उससे पहले इस घर के बारे में और ये घर किसके लिए बनाया गया था, इन बातों का मैंने पता लगाया। छानबीन करने पर पता चला कि ये घर विजय राजेंद्र भूपति नाम के एक जमींदार ने बनवाया था और आखिर में वहां एक बूढ़े आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ये बात मुझे आसपास के लोगों से पता चली, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब मुझे अब तक नहीं मिल पाया था, जो मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया पर उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वजह जानने के बाद ही इन सब घटनाओं को रोका जा सकता है। अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी में जा पहुंची। तब मुझे वहां एक किताब मिली जिसमें इस शहर का इतिहास था 1799 से लेकर 1920 तक का, जो यहाँ के जमींदारों पर लिखी गई थी। और इसी किताब में मुझे वो नाम मिला जिसकी मुझे तलाश थी, विजय राजेंद्र भूपति 1835। मैंने पढ़ना शुरू किया। उनके बारे में उनकी कई अनैतिक सच्चाइयों को उसमें लिखा हुआ देखकर मैं चकित रह गई थी। उन्होंने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलकर जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया था वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। और उनके इस दुर्व्यवहार से क्रोधित होकर गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक क्रांति दल बनाया और जमींदार और उनकी पत्नी दोनों को उनके इकलौते बेटे की आंखों के सामने जलाकर उसी घर के एक हिस्से में दफना दिया, ये लिखा था। तो आखिरी बार जिस बूढ़े इंसान ने उस घर में आत्महत्या की थी वो कोई और नहीं, वो विजय राजेंद्र भूपति का इकलौता बेटा था।
ये क्या कह रहे हैं सर? आज से पहले तो 30% ही लेते थे ना, अब अचानक 45% मांगेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे सर? जो लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं आखिर उनको प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए, सब आपको तो नहीं दे सकते हैं ना। लगता तो है कि आप लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो तुम्हारे बारे में जो खबरें छपती मैं बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी, तुम लोग भी सुन लो। RBM कंस्ट्रक्शंस द्वारा बनाया जा रहा बहुमंजिला टावर कल शाम अचानक ढह गया। सस्ते दामों में खरीदे गए मटेरियल ही इस इमारत के गिरने की वजह है, ये बात पुलिस की छानबीन में सामने आई है। उसके बाद जनता को गुस्सा आ गया और उसने बिल्डर के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस की जांच पड़ताल से डर कर बिल्डर के घर वालों ने आत्महत्या कर ली। देखा घंटी बजी, न्यूज सच होने वाली है। बोलो। ओके। आजकल लोगों के साथ अच्छा बहुत कम होता है। मैं चाहता हूं तुम लोगों के साथ अच्छा हो। अच्छी तरह सोच कर जवाब देना। अरे ये कैसे चला रहा है? क्या ड्राइवर है? अजीब बात समझता है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ अब कोई परेशानी नहीं है भाई, बोल रहा था डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करेगा, थोड़ा ठोका तो उसने साइन कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है, मैं साहब को बता दूंगा। आपके डर से वो सारा पैसा आधे घंटे के अंदर सेटल करने को तैयार हो गया है। हाँ बोलिए भाई। मेरे बेटे के लिए घर का क्या हुआ? कल आते समय मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है भाई, आपके बेटे के लिए अच्छी होगी शायद, आप एक बार चलकर देख ले तो बाकी फॉर्मेलिटीज में करा देता हूँ। ठीक है, तुम पूरी छानबीन कर लो, दो दिन बाद देख लेंगे। ठीक है भाई। हेलो। हाँ कहाँ हो साहब? बहुत देर से आए हुए हैं, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए और इंतज़ार नहीं करेंगे। पेपर साथ में लेकर आना, कहीं भूल मत जाना, और जल्दी आओ।
सर, इस घर की पूरी डिटेल्स मैंने ले ली है। इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया है। जितना मुझे पता है, इसका अभी कोई वारिस नहीं है, इसलिए ही मैं... ए, चुप कर, जो मन में आए बोले जा रहा है। तेरी ये बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। सॉरी सर। हाँ, यही इस घर का आखिरी वारिस है। इसके नाम पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाओ। ये घर इसके नाम पर कर दिया गया, ऐसी वसीयत बनाकर मेरे वकील को दे दो। एविडेंस स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद ये प्रॉपर्टी इसके नाम पर कैसे करनी है वो मेरा वकील देख लेगा। फिर अपने बेटे के नाम पर कैसे करवानी है वो मैं देख लूंगा। जी, समझ गया ना? समझ गया सर, लेकिन... अरे सुनो ऑफिसर, ये सारी बातें बाद में करेंगे, आओ। देखो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम हैं, तुम बस जो कहा जाए वो करो। सर, ठीक से करना। तुझे पढ़ने के लिए यूएस भेजा तो वहां न जाने किस जात की लड़की से शादी कर ली और मुझसे जुबान लड़ा रहा है। पापा, मैं दीक्षा से प्यार करता हूँ ये बोलने नहीं आया हूँ, उससे शादी करके यूएस में सेटल होने वाला हूँ ये बताने आया हूँ। ये क्या है बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं जानता हूँ पापा मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने फैसला किया है। अगर उनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए मेरी लाइफ, मैं जा रहा हूँ। माँ को छोड़कर मत जा बेटा। गौतम, गौतम, जाने दो उसे, मालूम चलने दो पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। तुम अंदर जाओ बेटी, मुझे इससे कुछ बात करनी है। चलो। बहुत दिनों से तुझे कुछ देना चाहती थी। क्या माँ? चलो अंदर।
It's your room, mom. Yeah, careful. Okay. आपने ही तो हमें बुलाया था ना, तो फिर उनके सामने थप्पड़ क्यों मारा? ए, जरा धीरे बोलो, उन्हें सुनाई दिया तो? अब मुझे उनसे डर नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है। तुम्हें यहाँ बुलवाने के लिए मैंने क्या क्या ड्रामे किए हैं। उन्हें कैसे राजी किया तुमने? तुम जानते ही क्या हो उनके बारे में, मुझे कुछ हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। मेरे दिल में छेद है ये बात तो तुम जानते ही हो। बस उसी का सहारा लेकर एक ड्रामा किया और वो राजी हो गए, कैसा लगा? क्या माँ? ए, नोएडा में एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। लौटने में 3-4 दिन लगेंगे, यही सोचकर मन थोड़ा दुखी है। उसके लिए नोएडा जाने की क्या जरूरत है माँ, वो तो यहीं दिखा सकते हैं ना। उसके साथ वहीं एक रजिस्ट्रेशन भी करनी है ना। वही तो ना, मुझे तो लगता था कि अब तक वो बदल गए होंगे। वो आ रहे हैं, अंदर जाओ। तुम ऐसे ही डरते रहना। ए, आगे से पापा की भी बातें मानना सीखो। वो जो भी हुआ उससे वो भी शर्मिंदा है। अपना काम करो। बता दो साहबजादे को यहाँ सब कुछ मिल गया है ना, तो किसी और के यहाँ नौकरी करने के बजाय इज्जत के साथ मेरे बिजनेस को ही आगे बढ़ाए। यूएस में जिस कंपनी में काम करता था उसकी ब्रांच यहाँ भी है। आने से पहले मैं वहाँ ट्रांसफर का एप्लीकेशन दे के आया था। मैं वही जॉब करूँगा। हर बार की तरह इस बार भी इसने फैसला कर लिया है, तो मेरे बोलने के लिए बचा ही क्या है। सुनिए, ए, ये क्या कर रहे हो तुम? गौतम, गौतम रुको, गौतम मेरी बात तो सुनो। गौतम सुनो, नोएडा के सारे डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके मुझे अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। पिछली बार की तरह इस बार डिले नहीं होना चाहिए। 7 बजे की फ्लाइट से मैं वहां आ जाऊंगा। वो कोई बात नहीं, देख लेंगे। ऐसे दोनों गुस्सा दिखाओगे तो कैसे चलेगा? तुम तो उनके साथ थोड़ा तालमेल कर सकते हो ना। इसका मतलब मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊं? वो चाहे जैसे भी हो, अब तक हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। सिर्फ हमारे साथ। तुम उन्हें पति की तरह देख रही हो, इसलिए कुछ गलत नहीं दिख रहा। और मैं उन्हें एक इंसान की तरह देख रहा हूं, तो मुझे गलत लग रहा है। क्या हुआ, चलना नहीं है? चलो। अपना ख्याल रखना। Thank you.
जब देखो तब यही गाना लगाकर दिमाग खराब करती रहती हो। हिया कौन हो तुम? सुना है आप लोग यहाँ नए आए हो, कोई काम मिलेगा क्या? एक मिनट रुको। हाँ हेलो। हाँ दीक्षा, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ। ओके, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है। हे सुनो ना, काम मांगने के लिए एक लड़की आई हुई है। ओके। दिखने में तो अच्छी ही लग रही है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो काम पर रख लो। ओके ओके, मैं बात करके डिसाइड कर लेती हूँ। और हाँ एक और जरूरी बात, उस लड़की को तुमसे अच्छा खाना बनाना आता है या नहीं ये जरूर पूछ लेना। जरूर पूछ लूंगी। फोन रखो। बाय बाय। अंदर आओ। You want something? गौतम, मैं घर के लिए कुछ पेंटिंग्स लाना चाहती हूँ। ओके। इस आर्ट गैलरी की पेंटिंग्स तो देखो, मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा है ना? ये किस जगह पे? कमला नगर में। ओह। सारा काम खत्म हो गया मेम साहब। हाँ तो अब मैं जाऊँ? हाँ ठीक है। हाँ। कनी? हाँ? कल सुबह मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम्हें भी साथ चलना होगा, तो थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है? ठीक है मैम साहब। खाना बहुत अच्छा है, ऐसा खाना खाए सालों हो गए मुझे। खाना खाओ। सोच रही थी। How can I help you? हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ मॉडर्न पेंटिंग्स चाहिए, थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। सिंपली कहूँ तो तुम्हारी गैलरी में जो पेंटिंग्स हैं बिल्कुल वैसी। जनरली आपकी तरह पेंटिंग्स मांगने वालों को मैं अपनी आर्ट गैलरी की पेंटिंग सजेस्ट नहीं करती।
आपको विश्वास है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस जैसी बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। इसलिए मैं खुद पर्सनली क्लाइंट्स के घर जाकर वहाँ कौन सी पेंटिंग्स पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी उसी तरह की पेंटिंग सजेस्ट करती हूँ। अगर आपको ये ठीक लगे तो फिर तुम मेरे घर कब आ रही हो? वो तो आप बताएंगे। आज शाम 5 बजे? श्योर। ये घर मेरे ससुर जी ने गिफ्ट किया है। घर बहुत सुंदर है। थैंक यू। हम अंदर चलकर देखें? श्योर। कनी, अभी आई मेम साहब। मैं इनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, टाइम लगेगा। हिया का ध्यान रखना तुम। ठीक है मेम साहब। वही खड़ी रहोगी क्या? अंदर आओ ना। सबसे पहले मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देती हूँ। उसके बाद तुम बताना कि पेंटिंग्स कहाँ कहाँ कैसे प्लेस करनी है। नीना, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आप कहिए। आओ चलते हैं। ये हमारा बेडरूम है। आर यू ओके? या I'm fine. एक मिनट। हाँ तुम यहीं रहना, मैं अभी आई। गौतम, नीना आई हुई है, वो हमारा घर देख रही है। उसके जाने के बाद मैं तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? नीना, नीना, नीना क्या हुआ? Are you okay? आपके स्टोर रूम में जो पुराने फोटोज हैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके डिस्पोज कर दीजिए, अच्छा रहेगा।
आपके स्टोर रूम में जो पुराने फोटोज हैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके डिस्पोज कर दीजिए, अच्छा रहेगा। सब ऑफिस चले गए मेम साहब, आपको उठते ही फोन करने के लिए बुलाया। ठीक है, करती हूँ। कनी अब से रोज जल्दी आकर साहब के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया करना, ठीक है? ठीक है मेम साहब। ये लो, ये मेन डोर की चाबी है, रख लो। आपके लिए चाय या कॉफी बना दूं मेम साहब? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कपड़े मशीन में डाले हुए हैं, तुम एक बार चेक कर लेना, मैं जाकर नहा लेती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। क्या हुआ मेम साहब? शावर से ब्लड आ रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं मेम साहब। ये देखो ना, मेरे ऊपर खून लगा हुआ है। आप अपने टावल को देखिए मेम साहब, इसका रंग छूट रहा है, आप इसे देखकर डर गई होंगी। कौन है वहां? गौतम, गौतम, yeah।
रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ? सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर बाहर आया। नहीं गौतम, कोई और भी है यहाँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। सब जगह देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है। नहीं गौतम, मैंने वहां दीक्षा, चलो सो जाओ, सुबह देख लेंगे। कम ऑन, चलो। गौतम, गौतम जल्दी आओ, देखो वहां कोई खड़ा है। क्या हुआ दीक्षा? मैंने कहा था ना कोई है। वहां तो कोई नहीं है। वहां कोई खड़ा हुआ था गौतम, मैंने अभी अभी देखा है। ठीक है, अभी चल के सो जाओ, सुबह देख लेंगे। प्लीज जाके सो जाओ, दिन में देख लेंगे। तुम अभी तक नॉर्मल नहीं हुई ना? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो गौतम? क्या दीक्षा, इसमें समझने वाली क्या बात है? हाँ, नई जगह है, लोग भी नए हैं, और इसके अलावा तुम ज्यादातर वक्त घर में ही बिताती हो। मैं भी डिप्रेशन में भी ऐसा हो सकता है ना। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या समझ रहे हो? मुझे पागल समझ रहे हो क्या? हे, अब तुम नाराज किस बात पे हो रही हो? सबसे पहले तुम फालतू लोगों से मिलना बंद करो, वो ही तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। स्टॉप इट गौतम, मैं दूसरों की बातें सुनकर कंफ्यूज होने वाली इंसान नहीं हूँ। मुझे पर्सनली फील हुआ है, सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। दीक्षा, आई एम सॉरी। कहो तो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लूं, कहीं घूम के आते हैं। इट्स ओके गौतम, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम ऑफिस जा सकते हो। श्योर? हेलो नीना, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं।
मेरे घर में कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है नीना। ये बात मैं अपने हस्बैंड को बता चुकी हूँ लेकिन वो भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हें बताकर मैं। आप जो बात मुझे बताने वाली है वो मैं उसी दिन जान गई थी जिस दिन आपके घर आई थी। ऐसी अचानक क्यों बुला लिया? गौतम यहाँ आओ। कहाँ ले जा रही हो दीक्षा? यहाँ क्यों लेके आई हो मुझे? ये देखो। ये सब क्या है? इससे पहले जो यहाँ रह रहे थे उनकी समाधि है ये। क्या कह रही हो? आप जो बात मुझे बताने वाली है वो मैं उसी दिन जान गई थी जिस दिन आपके घर आई थी। लेकिन बिना वजह किसी का भी वजूद नहीं होता, सो उस वजह को जानने की मैंने कोशिश की। उससे पहले इस घर के बारे में और ये घर किसके लिए बनाया गया था इन बातों का मैंने पता लगाया। छानबीन करने पर पता चला कि ये घर विजय राजेंद्र भूपति नाम के एक जमींदार ने बनवाया था और आखिर में वहाँ एक बूढ़े आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ये बात मुझे आसपास के लोगों से पता चली लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब मुझे अब तक नहीं मिल पाया था, जो मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया पर उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वजह जानने के बाद ही इन सब घटनाओं को रोका जा सकता है। अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी में जा पहुंची। तब मुझे वहां एक किताब मिली जिसमें इस शहर का इतिहास था 1799 से लेकर 1920 तक का, जो यहां के जमींदारों पर लिखी गई थी। और इसी किताब में मुझे वो नाम मिला जिसकी मुझे तलाश थी, विजय राजेंद्र भूपति 1835। मैंने पढ़ना शुरू किया। उनके बारे में उनकी कई अनैतिक सच्चाइयों को उसमें लिखा हुआ देखकर मैं चकित रह गई थी। उन्होंने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलकर जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया था वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। और उनके इस दुर्व्यवहार से क्रोधित होकर गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक क्रांति दल बनाया
और जमींदार और उनकी पत्नी दोनों को उनके इकलौते बेटे की आंखों के सामने जलाकर उसी घर के एक हिस्से में दफना दिया, ये लिखा था। तो आखिरी बार जिस बूढ़े इंसान ने उस घर में आत्महत्या की थी वो कोई और नहीं, वो विजय राजेंद्र भूपति का इकलौता बेटा था। इन सब से एक बात तो मैं अच्छी तरह जान गई, ऐसी बुरी मौत पाने वाली दुरात्माएं अभी भी उस घर में हैं, आप लोगों के साथ। तो अब हम क्या करें? मैं आपको बस इसके पीछे की वजह बता सकती हूँ, इसका सल्यूशन क्या है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। बेबी को दूध देकर सुला दिया है मैंने, और कोई काम है क्या मिम साहब? नहीं, और कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। ठीक है। गौतम, गौतम। हाँ? नीचे से कोई आवाज आई है। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं जाके देख के आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा था ना, इस घर में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। गौतम, हिया के रूम का दरवाजा खुला हुआ है, जब हम नीचे गए थे तब वो बंद था। हिया, उठो बेटा, हिया उठो, हिया वेक अप, हिया, हिया वेक अप, हिया, हिया उठो बेटा, हिया। मैं नकुल। आइए गौतम। रात हमारी बेटी नीना ने मुझे सब बताया। गौतम,
वो दोनों समाधि कहाँ हैं? इस घर में आपके आने से पहले यहाँ की सारी चीजें कहाँ रखी हैं आप जानते हैं? ऊपर के स्टोर रूम में है। में क्या लिखा है बताता हूं। अपनी पत्नी से कहिए वो बाहर जाए। आत्मा जो भी हमसे चाहती है वो ये अक्षरों के पास से हमें बताएगी। ऐसा क्या किया है? हमने कौन सा पाप किया है जो ये हमें मार देंगे? हम लोग अब यहां नहीं रहेंगे, हम अभी यहां से निकल जाएंगे। गौतम, अगर ऐसा कोई रास्ता होता तो मैं आपको पहले ही बता चुका होता। आपने पूछा था ना क्या लिखा है? आपकी मौत। आप जहां भी जाएंगे यह आपका पीछा करती रहेगी। जो भी व्यक्ति इस घर पर अपना आधिपत्य रखेगा उस व्यक्ति की मृत्यु उसी क्षण निश्चित है। आपका यहां आना आसान हो सकता है, लेकिन यहां से जाना इसका मतलब इसमें जैसा लिखा है हम सब मरने वाले हैं क्या? जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होगा। तो फिर इसका रास्ता क्या है? एक रास्ता है, तंत्र और मंत्र के प्रयोग से यहां जो भी आत्माएं हैं उन्हें अपने कब्जे में कर सकता हूं मैं। मैं ये डोरी दरवाजे पर बांधूंगा और कल सुबह सूर्योदय तक, मतलब कि 7 बजे तक, किसी भी कारणवश इसे खुलना नहीं चाहिए। और अगर इसे खोल दिया तो खोलने वाले को ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा।
क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, कल तक सब ठीक हो जाएगा। हम फिर से यूएस चले जाएंगे। अब सो जाओ। बोलो माँ। गौतम, सारा ट्रीटमेंट ठीक से हो गया है और कल यहाँ से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। वहाँ तो सब कुछ ठीक है ना? नहीं माँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? इस सब के बारे में तुम्हारे पापा कुछ नहीं जानते, उन्हें गलत मत समझना। मैं फोन रख रहा हूँ माँ। गौतम। ए गौतम, हेलो। कौन आया होगा? कनी, उसे मैंने दूसरी चाबी दे रखी थी। हे कनी, 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 कोई भी डोरी खोलना मत। कनी, किसी भी डोरी को छूना मत। कनी, कनी सुन रही हो ना? कनी, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? कनी, कनी डोरी मत खोलना। कनी, उसे शायद सुनाई नहीं दे रहा। फोन उठाया नहीं? मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। ओह गॉड। कनी, कनी सुन रही हो? कनी, कनी कोई भी डोरी मत खोलना। कनी, कोई भी डोरी मत खोलना। कनी, दीक्षा, बचाओ मुझे! नहीं गौतम, नहीं, प्लीज मत खोलो, प्लीज, प्लीज। मैं बस देख रहा हूँ दीक्षा। मत करो, उसे कहीं कुछ हो ना जाए। प्लीज मत करो। मैं बस देख रहा हूँ दीक्षा। तुम बैठो, देखने दो मुझे। कौन है? नकुल। बस एक ही रास्ता था, अब वो भी खत्म हो गया। अब क्या, हम सब एक एक करके मर जाएंगे? यही है हमारी किस्मत, इसे कोई नहीं बदल सकता। बदल सकते हैं। जब ऐसी मुश्किल घड़ी आती है तो लोग अक्सर भूल जाते हैं विश्वास को। अब एक वही रास्ता है हमारे पास।
क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माँ ने जाने क्या क्या बोल रही थी। आप ये देखने आए हम जिंदा है या नहीं? हाँ, मतलब क्या तुम्हारे कहने का? ये घर मेरे नाम करके मेरी बच्ची और पत्नी को मरवाना चाहते हैं, यही आपका प्लान है ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप सोच रहे हो मुझे कुछ पता नहीं है? हाँ, इस घर के बारे में आपको सब कुछ पता था, इसीलिए आप यहाँ एक रात भी नहीं रुके। तेरा मतलब मैं इस घर में रुकना नहीं चाहता था इसलिए बाहर चला गया? अगर ऐसा है तो आज रात मैं यहां अकेला रुकूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि होता क्या है। नहीं सर, आप ऐसा ना करें तो ही अच्छा है। अरे तू कौन होता बीच में बोलने वाला? आपकी बातचीत में मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। आपने सही कहा था, किस्मत को नहीं बदला जा सकता। मैं चलता हूं। नकुल। पापा, इन्होंने तो गुस्से में कह दिया, लेकिन आपका फैसला ठीक नहीं है। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है मैं अच्छी तरह जानता हूं। सब कुछ भुला कर तुम लोगों को मैंने यहां रहने के लिए बुलाया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। Hey, इन्हें बाहर ले जाए यहां से। आइए सर, चलते हैं। साहब कह रहे हैं ना, देख लेंगे। आइए बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आइए ना। आप सोच रहे हो मुझे कुछ पता नहीं है। इस घर के बारे में आपको सब कुछ पता था, इसीलिए आप यहां एक रात भी नहीं रुके।
मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है नकुल। पहले वो काम वाली लड़की और अब पापा, पता नहीं अगला कौन होगा। वो चाहे जो भी हो, मेरी वाइफ और बच्ची नहीं होना चाहिए। गौतम। नहीं नकुल, मेरे पापा की वजह से कई लोग बेघर हुए हैं और कई लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। जाने अनजाने में उस पाप में मेरा भी हिस्सा है, उसी को मैं भोग रहा हूं। लेकिन इस पाप में मेरी बीवी और बच्ची की जरा भी भागीदारी नहीं है। आपको उन दोनों को इस श्राप से बचाना होगा। प्लीज नकुल। क्या हुआ गौतम? कुछ नहीं, चलो। आपको उन दोनों को इस श्राप से बचाना होगा। ये क्या है? पूछा था ना, आपकी मौत। इसमें जैसा लिखा है हम लोग मरने वाले हैं क्या? जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होगा। गौतम, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई है। आप दोनों के बचने का एक रास्ता है। वो क्या है? इसमें तो कोई आंख बनी हुई है और इसके अलावा जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब सब खत्म हो चुका है गौतम। ये सिर्फ एक आंख नहीं है। ये क्या कह रहे हो? हमारे पंचभूतों में से एक अग्नि इसका राज जानने में हमारी मदद करेगी। राजकुल में पैदा हुआ एक राजवंशी आजीवन दास बनकर रहे तो श्राप मुक्त हो सकते हैं। क्या लिखा है इसमें? कोई ऐसा हो जो राजवंशी हो और पूरा अपना जीवन यहां बंदी बनकर रहेगा तो श्राप से मुक्ति मिल सकती है। बस यही एक रास्ता है। तो अब उस राजवंशी को कहां ढूंढेंगे हम? तो अब उस राजवंशी को कहां ढूंढेंगे हम? न
मेरे हिसाब से एक इंसान है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो भी इसी तरह के राजवंश में पैदा हुआ तंत्र ज्ञानी है, नाम नकुल है। आपके एहसानों के लिए सिर्फ धन्यवाद कहके आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ये नियति मैंने खुद तय की है। अगर भगवान खुद इसे इनकार करता है तो भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आप लोग परेशान मत होना, संभल कर जाना। हमारी इस प्रॉपर्टी को सेल करके सारा पैसा यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब हम वहीं रहेंगे। प्रॉपर्टी सेल करने की पावर मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, इसे संभाल कर रखना। Okay. हम चलते हैं। बाय अंकल। सबकी जिंदगी से नियति खेलती है, लेकिन इनकी जिंदगी से मैं खेल गया। आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ये नियति मैंने खुद तय की है। अगर भगवान खुद इसे इनकार करता है तो भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। अब ये घर बिक जाएगा। एक बात कहूं तो इस घर के और मेरे बीच कोई नाता नहीं है, लेकिन मुझसे जुड़ा यह घर अब तक उनके पास ही है। ये मेरा घर है, जहां हम खुशी से हंसते हुए रहते थे। ये वही घर है द ग्रेट मैजिशियन चंद्रदेव, मेरे पापा। जिंदगी में मैजिक और मैजिक में जिंदगी उन्होंने ही मुझे सिखाई। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैजिशियन बनना है। हमारे साथ रह लोगे ना? इधर आ बैठो। कल तुम लोगों के लिए नए कपड़े। यही है मेरा परिवार। इनके हमारे घर आने से पहले तक हम सब बहुत खुश थे। और उस दिन के बाद हम सब सड़क पर आ गए थे। कोई परेशानी नहीं है भाई, बोल रहा था डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करेगा, थोड़ा ठोका तो उसने साइन कर दिया। हटो। हमारा घर अब हमारा नहीं रहा बच्चों। ये सोचते हैं कि हम जैसे साधारण इंसान कुछ नहीं कर सकते। उन्हें दिखाना होगा कि ये गलत सोचते हैं। हमारा घर हमारे पास वापस आएगा। नहीं नहीं, अगर हम सामने से वार करेंगे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इस पल के बाद ये बस एक खेल है। उसने हमें दिखा दिया है कि उसकी ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। अब हमारी बारी है। हम लोग उसे दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। उसे पता चलने से पहले उसे हराना होगा। यही उसकी नियति होगी। और यह तुम्हें करना है।
फोकस एंड एग्जीक्यूट। उस दिन मैंने फैसला किया था, मैंने और मेरे परिवार ने जो दर्द सहा है वो उसे और उसके परिवार को भी सहना होगा। मैंने अपना खेल शुरू किया। ए, ठीक से करना। सुला दिया है मैंने। रिया के रूम का दरवाजा खुला हुआ है, जब हम नीचे गए थे तब वो बंद था। लिफ्ट। इस प्रॉपर्टी को सेल करके सारा पैसा यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब हम वहीं रहेंगे। प्रॉपर्टी सेल करने की पावर मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, इसे संभाल कर रखना। हम चलते हैं। अब हमारा घर हमारे पास आने वाला है पापा। आइए सर, आपका इंतजार कर रहे थे इतनी देर से। इस प्रॉपर्टी की बात चल रही थी तब सुना कि आपको चोट लगी थी और उसी का ट्रीटमेंट चल रहा था। अब तबीयत कैसी है सर?